हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो टाइम एकदम सुबह के हो रहे हैं 8:30। आज जैसे कि है संडे और घर पे हैं केवल मैं और वैभव। तो आज जैसे कि संडे है तो हमने भी थोड़ा लेट उठ करके अपना संडे मना लिया है। तो अब ये कर रहे हैं पानी गर्म और एक ग्लास वैभव एक ग्लास मैं, हम दोनों पानी पियेंगे फिर चाय पियेंगे। वैभव को दूध दूंगी, मैं चाय पीऊंगी। तो फिलहाल हम पानी पीते हैं ना इस गोभी के, तब तक छोटे छोटे पीसेस करके इसमें हल्का सा बॉईल कर देती हूँ, क्योंकि वो जो भी अगर कुछ गंदा वंदा होगा, खैर आजकल तो गोभी साफ आती है, फिर भी तो वो साफ हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद इसको क्रश करूँगी कद्दूकश में और इसको भी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं गोभी के पराठे कैसे बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, डेली की तरह मैं पीऊँगी अपनी गुड़ की टपकी के साथ चाय। फ्रेंड्स, ये जो गुड़ की टपकी वाली चाय होती है ना, हम पहाड़ियों की जान बसती है इसमें, बाय गॉड सबको पसंद आएगी। बाकी लोगों से नहीं सुना है ये गुड़ को ऐसे खाट, मतलब गुड़ को कटक लगा के चाय पीना, ये हम उत्तराखंडी लोगों की पहचान है। कबूतरों ने छोटे छोटे से अंडे दे रखे हैं और देखो कैसे तिनके तिनके से अपना घोंसला बना रखा है। वो कबूतर का अंडा है, वो उस कबूतर का अंडा है, कबूतर ही का। तो फ्रेंड्स, आज मैंने वैभव को अपने हाथ से नहला दिया है, क्योंकि वैसे वो डेली नहाता है फिर और टाइम भी नहीं मिलता है नहलाने का। तो अब मैंने उसको नहला दिया और अब वो नाश्ते के लिए एकदम रेडी हो चुका है। मटेरियल भी तैयार हो गया, जैसे कि मैंने बताया गोभी और गाजर के पराठे, तो मैंने गोभी और गाजर को क्रश करके रख दिया है। और अब इसमें मैं नमक मिर्च मिक्स करती हूँ और फटाफट से गर्मा गर्म पराठे वैभव के साथ साथ आप लोगों को भी भेजती हूँ। तो गाइस, हो चुका है गोभी और गाजर का पराठा रेडी। छोड़ो। तो गाइस, ये है मेरे लिए नाश्ता और वैभव इसको देख करके भी ललचा रहा है, कह रहा है इसमें से मुझे एक बाइट दे दो। तो अब हम करते हैं नाश्ता, ले ले। फ्रेंड्स, हो चुका है नाश्ता भी और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज हमारा ब्रेकफास्ट कम लंच हो गया, क्योंकि पराठे इतने हैवी थे, दो वैभव ने दो मैंने खा लिए और हम दोनों को ऐसा लग रहा है कि अब दोपहर में कमी खाए। अब मैं कर रही हूँ अपने हाथों पे वैक्स, देख रहे हो ना बहुत हेयरी स्किन है, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे 2-3 दिनों बाद जाना है शादी में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने रख दिया है वैक्सीटर में गर्म करने को, मैं ना अपनी खुद ही कर लेती हूँ। मैं नहीं जाती हूँ पार्लर वार्लर, जितनी हो मतलब जितनी क्या अच्छी खासी हो जाती है। जैसे कभी आप वैक्स करते हो ना, एक्चुअली मैं घर पे इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने ब्यूटीशियन का कोर्स किया है 6 मंथ का, तो मैं सोचती हूँ जब सीखा है तो फिर बाहर क्यों जाना, थोड़ा प्रॉब्लम होती है बट ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाता है। तो कभी भी जब आप वैक्स करते हो अपने हैंड्स पे या लेग्स पे, तो जिस साइड को
आपके जो हेयर होते हैं ना, जैसे आपके हेयर इस साइड को हैं, ऊपर की तरफ को हैं, तो आपको वैक्स इसी तरफ को यूज करनी होती है। आपको वैक्स इस तरफ को ऐसे यूं लगा करके नाइफ से, और उसके बाद आप लोगों को ये जो वैक्स की पट्टियां हैं इनको ऐसे करके फिर इधर ही को आपको प्रेस करना है थोड़ा सा। अगर बाई चांस किसी को करने में दिक्कत होती है, नहीं आता है, तो आप ऐसे कर सकते हो यूं करके, फिर इसको मतलब हमेशा बालों के अपोजिट डायरेक्शन में ये, फिर ऐसे करके आप यूं थोड़ा रब करेंगे पट्टी को। वैक्स लगाने के बाद मैंने हाथ ऊपर कर रखा है, तो ये हमेशा ग्रोथ जो होती है नीचे की तरफ को होती है, तो आपको ऐसे ही लगा करके फिर पट्टी को रब करना है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में खींच देना है। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है मेरी वैक्स दोनों हैंड्स की, और अब मैं लगाने वाली हूँ परसों को मेहंदी यहाँ। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत सारा काम कर दिया है। ये बन गया है खट्टा खट्टा नींबू। ओह माय गॉड, मेरे मुंह में देख करके ही पानी आ रहा है, आप लोगों के मुंह में भी आ रहा होगा पक्का 100%। तो फ्रेंड्स देखिए, अब शादी में जाने की फुल तैयारी होने लग गई है। वो अपनी तरफ से लगा हुआ है, ये क्या गिरा? ओह नो, वाईफाई गिर गया। तोड़ दो उसको। कुछ नहीं हुआ इसको, लेकिन गिर गया था, यहाँ पे चार्जिंग पे लगा हुआ था और यहाँ से खटाक से नीचे गिर गया। तो क्या क्या रख दिया वैभव ने, क्या क्या पजा दिया है? एक शर्ट आपके। तो वैभव अपनी पैकिंग कर रहा है, बिल्कुल बैग वैग निकाल दिया है। और ये मैंने अपना सामान तो निकाल दिया है, बट समझ नहीं आ रहा एक्चुअली क्या होता है ना, वहाँ पे बड़ी ठंड होती है, तो मैंने कपड़े ढेर सारे रख दिए, कोट भी, सूट भी, साड़ी भी, सब चीज़ रख तो रही हूँ। और इतना सारा इसके अंदर, सासू माता का आदेश आ रखा है कि तुम लोग अपना सामान बिल्कुल पैक करके रखना और हम 23 को आ जाएंगे, और बस तुम्हें यहाँ से लेंगे साथ में और चलेंगे गाँव को। तो तब तक हम करते हैं अपनी पैकिंग। मुझे अपने सूट में प्रेस भी करनी है, मुझे प्रेस करने का काम ना दोस्तों सबसे गंदा लगता है, मुझे प्रेस करने का काम, लेकिन आज मुझे करना पड़ेगा क्योंकि शेखर नहीं है यहाँ पे, वरना शेखर कर देते हैं। तो फटाफट से हम करते हैं फिर अपनी पैकिंग सैकिंग, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, कुछ पैकिंग तो हो चुकी है, मतलब थोड़ा बहुत सामान रख दिया है, वैभव ने भी थोड़ा बहुत सामान रख ही दिया है, लेकिन जो प्रेस करने का काम है वो कल दिन में करेंगे क्योंकि कल वैभव की छुट्टी है। और अब मैं बनाती हूँ खाना, रात का सब्जी बना दी है, आज मैंने बना रखा है बैंगन का भरता, और अब मैं बनाऊँगी लोटू रोटी। एक तो होता है राई रोटी, राई रोटी में तो मडुआ और गेहूँ दोनों का आटा मिक्स करके गूंद करके फिर बनाते हैं, और लोटू रोटी होती है गेहूं का आटा अलग, मडुए का आटा अलग, और गेहूं की रोटी के अंदर मडुए का आटा रख करके, जैसे आप आलू के पराठे बनाते हो या किसी भी चीज़ के पराठे बनाते हो लोई के अंदर उसको भर करके, सेम वैसे ही प्रोसेस होता है। किसी दिन बनाऊंगी तो आप लोगों को मतलब बना करके पूरा प्रोसेस तरीके से करके फिर दिखाऊंगी, आज मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मैं वो वाली रोटी बना रही हूँ। तो मैं जाती हूँ किचन में और फटाफट से बनाती हूँ खाना, फिर हम खाएंगे दोनों, फिर रोज की तरह सो जाएंगे। मैं अपनी दीदियों से बात करूंगी और वैभव पाठक सो जाएगा, फोन वो देख चुका है। तो फ्रेंड्स, ये मैं ला चुकी हूँ खाना अपने लिए, जिसमें कि मैंने बताया बैंगन का भरता, हरे पुदीने की हरी चटनी और हरी मिर्च, साथ में लोटू रोटी, उसके साथ गुड़ और उसके साथ घी। यहाँ वैभव भी खा रहा है, वैभव ने खा लिया है, अभी एक और रोटी खाएगा, और हम दोनों अब बैठ चुके हैं, अपना आसन लगा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, खाना भी हो चुका है फाइनली, और खाना वाकई में बहुत टेस्टी था, मतलब जो बैंगन का भरता और उसके साथ जो मडवे की रोटी का कॉम्बिनेशन था, वाओ। तो अब मैं करती हूँ अपनी दीदियों से बात, अपने मम्मी पापा से बात, फिर आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।